एमजी ने अपनी कॉम्पैक्ट एसयूवी एस्टर को लॉन्च कर दिया है और वो भी काफी एग्रेसिव प्राइस पॉइंट पे। ये गाड़ी इंडिया की ऐसी पहली गाड़ी है जिसमें बहुत ही कम बजट में मोस्ट एडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं और वो भी बेस वेरिएंट से ही। फिलहाल कंपनी की जो 5000 बुकिंग स्लॉट थी वो पूरी तरीके से फुल हो गया है, स्टॉक सोल्ड आउट हो गया है इस साल के लिए। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम एमजी एस्टर के सेकेंड बेस्ट मॉडल सुपर को कंपेयर करने वाले हैं इंडिया में हाल फिलहाल पॉपुलर हो चुका स्कोडा कुसाक के बेस मॉडल 1 लीटर TSI एम्बिशन मॉडल से, और देखने वाले हैं क्या हाल फिलहाल इंडिया में पॉपुलर हुई सब कॉम्पैक्ट एसयूवी को एक न्यूली लॉन्च सब कॉम्पैक्ट एसयूवी एमजी एस्टर टक्कर दे पाएगी या नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं डायमेंशन से। आप देख सकते हो कि एमजी एस्टर की लेंथ है 4323 mm जो कि 98 mm ज्यादा है कुसाक की लेंथ से। इसी तरह से बिर्थ है 1809 mm जो कि 49 mm ज्यादा है कुसाक के बिर्थ से। हाइट है 1650 mm जो कि 38 mm ज्यादा है कुसाक में मिलने वाली हाइट से। व्हील बेस है 2585 mm जो कि 66 mm कम है कुसाक के व्हील बेस से। इन ऑन पेपर डायमेंशंस का आधार पर आप देख सकते हो कि एमजी एस्टर कुसाक से ज्यादा लंबी है, चौड़ी भी है, हाइट भी ज्यादा है, लेकिन व्हील बेस कम है कुसाक में मिलने वाले व्हील बेस से। मतलब एमजी एस्टर में केबिन पेस भी ज्यादा मिलेगी, ऊंची भी होगी ये गाड़ी और लंबी भी होगी ये गाड़ी कुसाक से, लेकिन व्हील बेस कम होगी कुसाक से। बात करें फुल टैंक कैपेसिटी की तो एमजी एस्टर की फुल टैंक कैपेसिटी 2 लीटर कम होगी कुसाक में दी गई फुल टैंक कैपेसिटी से। अब टायर साइज की बात करें तो एमजी एस्टर में 17 इंचेस की व्हील और स्कोडा कुसाक में 16 इंचेस की व्हील दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं ग्राउंड क्लियरेंस की। तो एमजी ने अभी तक एस्टर के ग्राउंड क्लियरेंस को ऑफिशियली रिवील नहीं किया है, लेकिन माना जा रहा है कि एस्टर में 188 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिला करेगी जो कि सिमिलर होगी कुसाक में मिलने वाली ग्राउंड क्लियरेंस से। बात करें बूट पेस की तो एमजी ने इसको भी रिवील नहीं किया है, लेकिन इसके सिबलिंग 2021 एमजी ZS में टोटल 488 लीटर्स की बूट पेस ऑफर करी जाती है। अगर यही बूट पेस एमजी एस्टर में मिलेगी तो ये कुसाक में मिलने वाली बूट पेस से 103 लीटर ज्यादा होगी। मतलब आप एस्टर में थोड़े ज्यादा लगेज कैरी कर पाओगे कॉम्पेटिटिवली कुसाक के। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इंजन के बारे में बात कर लेते हैं। तो एमजी एस्टर के सेकंड बेस मॉडल में 1.5 लीटर 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिल जाता है जो कुसाक में मिलने वाली 1 लीटर 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज TSI पेट्रोल इंजन के मुकाबले 6 BHP कम पावरफुल है और 34 Nm कम टॉर्क भी। लेकिन ज्यादा पावर जेनरेट करने पर भी कुसाक में छोटी इंजन का इस्तेमाल किया गया है कॉम्पिटिटिवली एस्टर के 1.5 लीटर इंजन से। इसीलिए कुसाक के इंजन में ज्यादा प्रेशर देखने को मिलेगा परफॉर्मेंस के टाइम, जबकि एस्टर में स्मूथ परफॉर्मेंस मिलेगी। अगर ट्रांसमिशन की बात करें तो एमजी एस्टर के 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन में 5-स्पीड मैनुअल के साथ साथ CVT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का भी ऑप्शन मिल जाता है, जबकि कुसाक के 1 लीटर टर्बो पेट्रोल मॉडल में 6-स्पीड मैनुअल के साथ साथ 6-स्पीड टॉर्क कॉन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन दिया हुआ है, जो एस्टर के CVT ट्रांसमिशन के मुकाबले अच्छा ऑप्शन नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और दोनों ही गाड़ियों के सेकेंड बेस मॉडल में मिलने वाली सेफ्टी फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। ABS, EBD, ड्यूअल एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ब्रेक असिस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल, एक्टिव कॉर्नर ब्रेक कंट्रोल, इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल, ऑल फोर डिस्क ब्रेक, आइसोफिक चाइल्ड सीट एंकर्स, रियर फॉग लैंप, अल्ट्रा हाई 10 स्टाइल स्टील केज बॉडी, 3-पॉइंट सीट बेल्ट फॉर ऑल पैसेंजर्स, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड। लेकिन ये फीचर आपको सिर्फ CVT ऑप्शन में ही मिलेगी। रियर पार्किंग कैमरा और फ्रंट फॉग लैंप विद कॉर्नर असिस्ट। अब बात कर लेते हैं कुसाक में मिलने वाली सेफ्टी फीचर्स के बारे में। ड्यूअल फ्रंट एयरबैग्स, ABS, EBD, मल्टी कोलिजन ब्रेक, हिल होल्ड कंट्रोल, ये फीचर सिर्फ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में ही मिलेगा। ब्रेक डिस्क वाइपिंग, एंटी स्लिप रेगुलेशन, इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंशियल लॉक सिस्टम, रोल ओवर प्रोटेक्शन, 3-पॉइंट सीट बेल्ट फॉर ऑल पैसेंजर्स और आइसोफिक एंकर्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों के सेकेंड बेस मॉडल में मिलने वाले सेफ्टी फीचर्स में जमीन आसमान का फर्क है। एमजी एस्टर कई ज्यादा आगे है कुसाक से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कम्फर्ट एंड कॉन्वीनियंस फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले उन फीचर्स के बारे में बात करते हैं
जो एस्टर के सेकेंड बेस्ट मॉडल सुपर में मिल जाते हैं। 10.1 इंच टच स्क्रीन विथ एंड्रॉइड एंड एप्पल सपोर्ट, 4 स्पीकर्स एंड 2 ट्विटर्स, रिमोट क्लेस एंट्री विथ फोल्डेबल की, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रियर इवेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग विथ मोड एडजस्ट नॉर्मल अर्बन और डायनामिक, रियर वाइपर एंड वॉशर, 60:40 स्प्लिट सीट, एलईडी हेडलैम्प्स, एलईडी इंटीरियर लैम्प और ड्यूल हॉर्न। अब चलिए उन फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं जो स्कोडा कुसाक के सेकेंड बेस्ट मॉडल एम्बिशन में मौजूद है। मैनुअल डे नाइट RPM, रियर वाइपर एंड डीप हॉगर, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रियर एसी वेंट्स, क्रूज कंट्रोल, रियर पार्किंग कैमरा, माई स्कोडा ऐप कनेक्टिविटी, एलईडी हेडलैम्प्स, 10 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट विथ एंड्रॉइड एंड एप्पल सपोर्ट, एस्टोर में 10.1 इंच का मिलता है और 6 स्पीकर्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुसाक और एस्टोर के सेकेंड बेस्ट मॉडल में लगभग बराबर का ही कम्फर्ट एंड कन्वीनियंस फीचर्स मिल जाते हैं। स्टैंडर्ड वारंटी की बात करें तो MG एस्टोर में मिलेगा 3 साल या फिर अनलिमिटेड किलोमीटर्स की बेहतरीन वारंटी, जबकि स्कोडा कुसाक में भी बेहतरीन 4 साल या फिर 1,00,000 किलोमीटर की स्टैंडर्ड वारंटी मिलेगी। अब बात कर लेते हैं प्राइसेस के बारे में। MG एस्टर सुपर सेकेंड बेस्ट मॉडल मैनुअल ट्रांसमिशन का एक शोरूम प्राइस है 11.28 लाख रुपए और CVT मॉडल का है 12.68 लाख रुपए, जबकि स्कोडा कुसाक सेकेंड बेस्ट मॉडल एम्बिशन मैनुअल मॉडल का प्राइस है 12.79 लाख रुपए और टॉर्क कॉन्वर्टर मॉडल का है 14.19 लाख रुपए। मतलब MG एस्टर मैनुअल मॉडल 1.51 लाख रुपए सस्ती है कुसाक से और ऑटोमेटिक में भी 1.51 लाख रुपए सस्ती है एस्टर कुसाक से। इसके अलावा MG एस्टर पे बायबैक गारंटी भी दे रही है, लेकिन हाँ कुछ शर्त जरूर है, जैसे कि कार 3 साल में सिर्फ 45,000 किलोमीटर ही चलनी चाहिए, तब MG आपसे एस्टर को 60% मार्केट वैल्यू पे खरीद लेगी। वैसे इसके लिए आपको 20,000 रुपये एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ेगा, एक पैक परचेस करनी पड़ेगी, लेकिन ऐसी कोई भी बायबैक स्कीम आपको कुसाक में देखने को नहीं मिलेगी। अब आखिर में कॉन्क्लूजन की बात करें तो इस वीडियो में आपने देखा MG एस्टर सब कॉम्पैक्ट SUV में आपको ज्यादा केबिन स्पेस मिलेगी, ज्यादा बूट स्पेस भी, सेफ्टी फीचर्स में भी बहुत ज्यादा आगे है, स्टैंडर्ड वारंटी भी अच्छी मिल जाती है, इसके अलावा कॉम्फर्ट फीचर्स भी लगभग इक्वल मिल जाती है और हाँ बायबैक गारंटी भी मिल जाता है एस्टर में, जो आपको स्कोडा कुसाक में नहीं मिलेगी। इसीलिए इस वीडियो के लास्ट में MG एस्टर एक बेहतर और वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट निकल कर आती है। सो कैसी लगी MG एस्टर स्कोडा कुसाक के कंपैरिजन में आपको नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर करें। थैंक यू।